हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली गई है, एक NMDC करके कंपनी है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है और ये एक नवरत्न स्टेटस का कंपनी है। और इस कंपनी के द्वारा अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। खास बात यह है कि इसमें माइन ओवरमैन और माइनिंग सरदार का भी वैकेंसी निकाला गया है और ये भी अच्छी वैकेंसी है। मैं पूरे डिटेल में इसके बारे में बात करूँगा। ये जो माइंस है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो मांगा गया है, ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का एक माइंस है, जिस माइंस का नाम है टोकीसूट नॉर्थ कोल माइंस। उस माइंस के लिए वैकेंसी निकाला गया है। कुछ दिन पहले इसी में डिप्टी जनरल मैनेजर से लेकर शॉर्ट फायर तक का वैकेंसी निकाला गया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं आई बटन पर उसका लिंक डाल दूँगा, आई बटन पर आ रहा होगा वीडियो, आप उसमें क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसमें जो वैकेंसी निकाला गया है उसके बारे में बात करूं, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये वैकेंसी आप कैसे चेक करेंगे। इसके लिए आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ब्राउज़र ओपन करने के बाद इसमें आपको लिखना है nmdc.co.in। इसमें डालने के बाद आप जब सर्च करेंगे तो आपको यहां पे कैरियर टैब में क्लिक करना है। कैरियर टैब में क्लिक करने के बाद आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद इसमें आपको क्लिक करना है, ये जो पहला नंबर का एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 8/2021 वाला आ रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेंट लॉगिन का। तो आपको अगर एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो यहाँ पे जो तीन लाइनिंग है इसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आएगा, इसमें आपको क्लिक करना है। एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आएगा फॉर एडवर्टाइजमेंट व्यू क्लिक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपका जो PDF है वो डाउनलोड हो जाएगा, देन आप इसको ओपन कर लेंगे और आप इसको देख सकते हैं। तो ये वैकेंसी जो है वो किस किस पोस्ट के लिए है उसके बारे में पहले बता देता हूँ आपको। ये जो वैकेंसी है वो कोलियरी इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए है, लाइजनिंग ऑफिसर्स के लिए है, कोलियरी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है, माइन इंजीनियर के लिए है, सर्वेयर के लिए है, इलेक्ट्रिकल ओवरमैन के लिए है, माइन ओवरमैन के लिए है, मैकेनिकल ओवरमैन के लिए है, और अगर नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड की बात करें तो उसमें माइनिंग सरदार, मतलब इतनी वैकेंसीज इसमें निकाली गई है। तो मैं सभी वैकेंसी के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये जो सारे वैकेंसी हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेवल का वैकेंसी है, मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करना है। इसमें आप परमानेंट नहीं जा सकते हैं, कंपनी जब चाहे निकाल सकती है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है मैक्सिमम पीरियड वो 3 ईयर इसमें लिखा गया है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आपका कैलकुलेट होगा। अब मैं डिटेल में एक एक करके सबके बारे में बताता हूँ कि क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस मांगे गए हैं, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं। तो सबसे पहला है कोलियरी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, इसका टोटल 1 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन मांगा गया है अगर आपके पास डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या माइनिंग मशीनरी का डिग्री है किसी भी इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको 7 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस, यानी कि मैकेनिकल की डिग्री, माइनिंग की डिग्री खत्म, माइनिंग मशीनरी की डिग्री खत्म होने के बाद का 7 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जो वर्क एक्सपीरियंस होगा वो रिपेयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन लार्ज ओपन कास्ट माइंस अगर आपके पास है तो आपको डिजायरेबल होगा। और जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो मांगा गया है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैविंग अर्थ मूविंग मशीनरी, यानी HEMM ऑपरेटर, FGMM का जो मशीनरीज होता है, सॉवेल हो गया, डंपर हो गया, ड्रैगलाइन हो गया, ये सब जितनी भी मशीनरीज होती है उसमें आप रिपेयरिंग का, मेंटेनेंस का काम किए हों, आपका वो एक्सपीरियंस होना चाहिए 7 साल का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बोला गया है कि जो भी ओपन कास्ट माइंस में काम किए होंगे उनको वरीयता दी जाएगी, यानी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सेकेंड जो पोजीशन है वो है लाइजनिंग ऑफिसर्स का, इसमें 2 पोस्ट का वैकेंसी है। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है या तो PG डिग्री होना चाहिए, PG डिप्लोमा होना चाहिए सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, IR, IRPM, HR, HRM और MBA पर्सनल मैनेजमेंट, HR, HRM। मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन का होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से। और इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि लाइजोनिंग विद स्टेट ऑफिशियल्स ऑफ झारखंड के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो कोलियरी मैनेजर इलेक्ट्रिकल का है, इसमें 1 पोस्ट है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी इंस्टीट्यूट से, और साथ ही साथ कैंडिडेट के पास एसेंशियल नॉलेज होना चाहिए, एसेंशियल उसके पास वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी कंपटेंसी सर्टिफिकेट माइनिंग, जो कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी
इंसेप्टर के द्वारा अप्रूव किया जाता है, आपके पास वो डिग्री होना चाहिए। एक्सपीरियंस में बोला गया है कि 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिपेयर मेंटेनेंस कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन लार्ज ओपन कास्ट माइंस। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में काम करने का एक्सपीरियंस है तो आपको डिजायरेबल यानी प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो माइनिंग इंजीनियर का है, और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए, डिग्री का मतलब बीटेक या बीए होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग से किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ आपके पास सेकेंड क्लास या फिर फर्स्ट क्लास मैनेजर कंपटेंसी ऑफ सर्टिफिकेट जो कि DGMS के द्वारा इशू किया जाता है अंडर कोल माइंस रेगुलेशन 2017 या 1997 में कुछ स्पष्ट नहीं किया है, तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इसमें बोला गया है कि 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि आपने डिग्री अगर किया है, डिग्री करने के बाद का जितना भी एक्सपीरियंस है, आप अगर PGPT जो 1 साल किए थे वो भी इसमें काउंट किया जाएगा, 4 साल में इंक्लूड किया जाएगा। मतलब PGPT को छोड़ के आपको अलग से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑपरेशन ऑफ ओपन कास्ट माइंस इन इंडिया इन कॉम्पेजाइन माइन प्लानिंग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग प्रोडक्शन एक्सकवेशन जो जनरल काम होते हैं, इसमें आपको 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो सर्वेयर का है। आपको बता दें माइनिंग इंजीनियरिंग का पोस्ट 12 था, बहुत अच्छा वैकेंसी है 12 पोस्ट का माइनिंग इंजीनियरिंग का जो सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास मैनेजर का निकाला गया है, क्योंकि इतनी जल्दी नॉर्मली नहीं देखने को हमें मिलती है। सर्वेयर की बात करें तो 2 पोस्ट का वैकेंसी है, इसमें डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग अगर आपने किया है या फिर माइन या माइन सर्वेइंग किया है किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास माइन सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज होना चाहिए DGMS के द्वारा CMR 2017 के हिसाब से या 1957 के हिसाब से। इसमें क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में बात किया गया है कि मिनिमम 2 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस नॉलेज ऑफ हैंडलिंग ऑल टाइप्स ऑफ सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट कंपटीशन ऑफ अर्थ वर्क वॉल्यूम एंड प्रिपरेशन ऑफ प्लान सेक्शन थ्रू सॉफ्टवेयर्स लाइक ऑटोकेड सिविल 3D एटसेट्रा। मतलब कि जो ऑटोकेड सॉफ्टवेयर है और सिविल 3D सॉफ्टवेयर है, इन ऐसे सॉफ्टवेयर में आपको काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो वर्किंग इंस्ट्रूमेंट होता है सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट कंपटीशन, ये सब चीज़ बेसिक जो सर्वेइंग आपका काम है सर्वेयर का, वो आपको आना चाहिए। फुल्ली कन्वर्जेंट विथ मॉडर्न इक्विपमेंट लाइक टोटल सब स्टेशन वगैरह, ये सब जितने भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में इसमें दिखा हुआ है आपको इन सभी से डील करना आना चाहिए। नेक्स्ट इसका जो पोस्ट है वो 2 था। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो इलेक्ट्रिकल ओवरमैन का है। इलेक्ट्रिकल ओवरमैन के लिए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आपने किया है या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एक डिग्री किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने डिप्लोमा भी किया है इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किसी भी इंस्टीट्यूट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी कंपटेंसी सर्टिफिकेट माइनिंग इशूड बाय स्टेट इलेक्ट्रिकल इंसेप्टरेट के द्वारा होना चाहिए। ये आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन एसेंशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब आप डिग्री किए हैं, बी किए हैं, बीटेक किए हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये जो सर्टिफिकेट है ये होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी कंपटेंसी सर्टिफिकेट जो होता है ये आपके पास होना चाहिए। ये जो पोस्ट है वो 4 है, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है अगर डिप्लोमा होल्डर है तो। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है यानी डिप्लोमा खत्म करने के बाद आपका VT यानी वोकेशनल ट्रेनिंग इसमें इंक्लूड नहीं होता है किसी भी तरीके से। इसमें डिग्री वाले कैंडिडेट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। मतलब अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो 5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपका हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप बीटेक वाले हैं तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। अब मैं बात करता हूँ जो सुपरवाइजरी ग्रेड का पोस्ट आता है, पोस्ट का नाम है माइन ओवरमैन। माइन ओवरमैन की वैकेंसी निकाली गई है जो काफ़ी लंबे टाइम के बाद माइन ओवरमैन का कोई कंपनी में वैकेंसी दिख रहा है, प्राइवेट छोड़ के गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो PSU में। क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है कि डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग अगर आपका किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से है, साथ ही साथ फॉर सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है ऑब्वियसली वो CMR के अंदर में DGMS के द्वारा इशूड होने चाहिए कोल के लिए, और अगर आप डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग है किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से तो ओवरमैन सर्टिफिकेट आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ वैलिड फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि फिर यहाँ पे एक आपत्तिजनक बात लिख दिया गया है, सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर में आता है। आपत्तिजनक बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि DGMS ने 2017 में एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था स्पष्ट तौर पे कि सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन रेड क्रॉस सोसाइटी
को स्टेचुअरी पोस्ट के लिए जितने भी पोस्ट होते हैं उन सभी में फर्स्ट एड सर्टिफिकेट देने के लिए ऑथराइज किया गया था, मतलब आप उससे ले सकते थे। ये पहले था लेकिन 2017, और दूसरा जो एक अप्रूव्ड संस्थान है जो उसको 2017 में एफिलिएशन दिया गया था उसका नाम था SHE, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ मल्टी डिसिप्लिनेटरी सेंटर अंडर गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अंदर में आता है, उसको ऑथराइजेशन दिया गया था DGMS की तरफ से कि भैया आप स्टेचुअरी पोस्ट के लिए सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग करवा सकते हैं, आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसको हम वैलिड मानेंगे DGMS के हर कंपिटेंसी एग्जामिनेशंस के लिए, हर सर्टिफिकेट के लिए। तो फिर बात यह है कि यहाँ पे जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, एक नवरत्न स्टेटस का कंपनी है, वहाँ पे सेंट जोन एम्बुलेंस एसोसिएशन लिखा हुआ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन चेक करके DGMS की साइट में, उसमें दिया हुआ है 2 ऑथराइज सेंटर को ऑथराइज किया गया है, फिर यहाँ पे सिर्फ सेंट जोन एम्बुलेंस एसोसिएशन का नाम क्यों है यहाँ पे, साथ ही साथ SHE अंडर मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर इसका भी यहाँ पे नाम जिक्र होना चाहिए था। तो मैं आगे बात करता हूँ कि डिप्लोमा इन माइनिंग वाले जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए ओपन कास्ट वर्किंग में, यानी कि अगर आपने डिप्लोमा किया है डिप्लोमा के बाद का जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल का, PDPD इसमें इंक्लूड हो जाएगा, PDPD को छोड़ के अलग से 4 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। एक बहुत डिसअपॉइंटिंग बात है, डिसअपॉइंटिंग बात इसलिए है क्योंकि माइन ओवरमैन के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस जनरली नहीं मांगा जाता है। एक स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी पिछले बार बंगाल वाली जो निकाली थी उसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था, तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि माइन ओवरमैन के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। दूसरा डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन का ही सर्टिफिकेट इसमें मांग रहा है। नेक्स्ट पोस्ट की मैं बात करूँ तो वो मैकेनिकल ओवरमैन के लिए निकाला गया है। इसमें अगर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आपने किया है या फिर माइनिंग मशीनरी किया है या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। शर्त इसमें सेम है कि अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी वाला से रिलेटेड। ओपन कास्ट माइंस में अगर आपने काम किया है HEMM में तो आपको प्रिफ्रेंस दिया जाएगा। इसका जो पोस्ट है वो टोटल 4 पोस्ट है। अब मैं नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड की बात करता हूँ जिसमें माइन सरदार को इसमें रखा गया है। तो इसमें जो वैकेंसी है माइनिंग सरदार का वो इतने जितने सारे पोस्ट निकाले गए हैं इस सभी पोस्ट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी माइनिंग सरदार का है और ये 38 पोस्ट है। इसमें मांगा गया है कि अगर आप मैट्रिक हैं या फिर 10th पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके पास वैलिड सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड बाई DGMS होना चाहिए जो कि कोल का होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, और साथ ही साथ फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन से इशूड होना चाहिए। और इसमें बोला गया है कि मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए ओपन कास्ट माइंस में। अभी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जिसके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट है या जिसके पास सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है क्या वो इस पोस्ट के लिए यानी माइनिंग सरदार के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताता हूँ, DGMS का एक नॉर्म्स है कि ऑल द सुपीरियर सर्टिफिकेट वाले जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो जो उसके नीचे वाले कैंडिडेट होते हैं स्टेचुअरी पोस्ट वाले वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर माइनिंग सरदार का वैकेंसी निकलता है तो उसमें ओवरमैन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और जिनके पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है माइनिंग का वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ भी वही कंडीशन लागू होगा, माइनिंग सरदार का ये जो पोस्ट है इसमें माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट जो फील्ड से ट्रेनिंग करते हैं 3 साल का जो एक्सपीरियंस लेते हैं और DGMS में एग्जामिनेशन निकालते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ जिन्होंने डिप्लोमा इन माइनिंग किया है और PGPT करके ओवरमैन सर्टिफिकेट ले चुके हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 38 वैकेंसी अच्छी वैकेंसी है और NMDC में इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी यही है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें SC ST OBC नॉन क्रीमी EWS PWD जितने भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला गया है भैया कि आप इंडियन होने चाहिए और 65 साल से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोला गया है कि 3 साल का आपका पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और इसको अगर आपका इनिशियल एग्रीमेंट अगर आपका इनिशियल परफॉर्मेंस पीरियड सही रहता है तो फिर उसको हम विचार करेंगे एक्सटेंड करने के लिए, मतलब नौकरी बढ़ भी सकती है या फिर 3 साल से पहले भी आपको लात मार के निकाला जा सकता है। दूसरा है रिम्बर्सन की बात करें, मतलब पैसा कितना आपको मिलेगा, मोटा मोटी इसमें लिखा हुआ है एक कॉन्सोलिडेटेड मतलब होता है सब जोड़ जाड़ के एक हिसाब से सैलरी लिखा हुआ है तो इसमें आप देख लेंगे। कोलियरी मैनेजर मैकेनिकल का 90,000 सैलरी है, लाइजनिंग ऑफिसर का 90,000 है, कोलियरी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का 70,000 है, माइनिंग इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट वाले जो वैकेंसी है उसमें भी 70,000 है, सर्वेयर का जो
पोस्ट है उसमें 60,000 रुपया है, इलेक्ट्रिकल ओवरमैन का 50,000 है, माइन ओवरमैन का 50,000 है, मैकेनिकल ओवरमैन का 50,000 है और माइनिंग सरदार का 40,000 मोटा मोटी सैलरी है। इसमें ये भी बोला है कि GST वगैरह भी कटेगा भैया। इसमें एक चीज़ और बोला गया है कि एक ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इसमें कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का भी लाभ मिलता है, जैसे बहुत सारी कंपनी होती है अगर आप परमानेंट होते तो आपको ग्रेजुएटी भी मिलती है, बहुत सारे और भी अलाउंसेस मिलते हैं। और एक होता है ग्रुप इंश्योरेंस, मतलब इसमें अगर आपका एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है तो फिर आपको इसमें कुछ पैसे आपको मिलेंगे मुआवजा के तौर पर। दूसरा इसमें बोला गया है कि अगर आपका मतलब आपका ट्रीटमेंट के लिए आप जॉब कर रहे हैं, आपका ट्रीटमेंट के लिए कंपनी 22,000 रुपया पर साल आप पे खर्च करेगी, उससे ज़्यादा अगर एक्सपेंसेस होते हैं तो भैया आप अपना पॉकेट से लगाइए। और भी यहाँ पे जो अलाउंसेस वगैरह दिए हैं आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि मैं ड्राइव शेयर क्यों नहीं करता हूँ। ड्राइव शेयर करने के पीछे ये कारण है कि मैं अगर ड्राइव सेव कर भी दूँ तो उसमें बहुत से लोग डाउनलोड कर पाएंगे, बहुत से लोग डाउनलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें अक्सर डिफ़िकल्टीज आती है। बट अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं आगे आपको बताता हूँ मोड ऑफ सिलेक्शन, किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा जो कि MCQ टाइप का होगा, जिसका सेंटर पड़ेगा और इसमें आपको 1:3 बेसिस पे उठाया जाएगा। मतलब अगर 10 ग्रुप 30 पोस्ट है जहाँ पे, वहाँ पे 30 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा रिटन टेस्ट। उसके बाद सेकेंड स्टेज जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें कोई नंबर मार्क्स और क्वालिफिकेशन कुछ ऐसा नहीं है, इसमें कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, इसमें बस आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप सुपरवाइजर पोस्ट के लिए हैं, जैसे कि ओवरमैन का मैं बात कर रहा था, फॉरमैन का बात कर रहा था, वो सब जो पोस्ट हैं उसके लिए आपको सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। और जो नॉन एग्जीक्यूटिव वाले हैं यानी कि माइनिंग सरदार हैं, उनको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। स्किल टेस्ट में बेसिकली आपको मशीनरीज वगैरह के बारे में फील्ड में पूछा जाएगा। ये जितने भी टेस्ट होते हैं, सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट या स्किल टेस्ट जो होते हैं, वो नॉर्मली माइंस में ही होते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि आगे का क्या कंडीशन है। तो ये आप जब क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल करने के बाद फिर आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें आप अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको, जैसे मैंने वेबसाइट ओपन करने बताया था, वैसे वेबसाइट ओपन करने के बाद, करियर टैब में ओपन करने के बाद, नोटिफिकेशन में जाने के बाद, यहाँ पे वापस से आप आ जाएंगे। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसमें अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको एक बेसिक सा फॉर्म होगा जिसमें आपके बेसिक डिटेल मांगे जाएंगे, इसको सबमिट करेंगे तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ईमेल आईडी लॉगिन से, रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लॉगिन करके आगे का फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट करना है या फिर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि इसमें वैकेंसी से रिलेटेड, चाहे माइनिंग सेक्टर हो, मेटल माइनिंग हो, कोल माइनिंग हो या पावर सेक्टर हो, उससे रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है, जो भी क्वालिफिकेशन वाला आता है, मैं आपको उससे अपडेट करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।